मैहर यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह भारत का एकमात्र माता शारदा देवी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए 1058 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या तो रोपवे से भी जा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद से भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में भगवान शिव को न बुलाए जाने पर यज्ञ स्थल पर जाकर माता सती ने अपने पति को न बुलाए जाने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर माता सती के मृत्यु का समाचार पाकर वीरभद्र को उत्पन्न करके उसके द्वारा यज्ञ विध्वंस करा दिया और भगवान शिव का विरोध करने वाले सभी देवताओं तथा ऋषियों को दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान कर यज्ञ को संपन्न करवा। माता सती के मृत शरीर को लेकर भगवान शंकर तांडव करने लगे और इनकी तीसरी नेत्र खुल गई। जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाकर माता सती के शरीर के 52 अंग किए। माता के 52 अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मैहर में माता सती के गले का हार और कंठ गिरा था। ऐसी मान्यता है जिससे यहाँ पर माता शारदा के रूप में माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आल्हाखंड। आल्हा उदल का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। 12वीं सदी के महोबा के आखिरी राजा परमाल, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हाना, राजा परमाल एक दिन जंगल से लौटते समय त्रिकूट पहाड़ी के निकट राजा परमाल ने दो पहलवानों का मल्लयुद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम से थे जसराज व बच्छराज। राजा के कहने पर जसराज महोबा तो आ गया, परंतु जंगल में अपनी पत्नी देवकी और दो बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर, लेकिन जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी को देवकी को अपने गले की हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दिया था, जिससे आल्हा उदल का लालन पालन अच्छी तरह से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। ऐसे ही जब माधवगढ़ का राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए त्रिकूट पर्वत तक ले आया। पत्नी देवला और दोनों बेटे आल्हा उदल के सामने उनका सर काट दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही हाल होगा। राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को भी उसने देवकी के गले से ऐसे छीना कि नस कट जाने से उसकी भी मृत्यु हो गई। जाते जाते त्रिकूट पर्वतवासियों से लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया।
तब आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता के मौत का बदला नहीं लेता, चैन से नहीं बैठेगा। त्रिकूट पर्वत वासियों की सुरक्षा के लिए वह पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रहने लगा, जिससे शत्रुओं के आने पर पहले ही त्रिकूट पर्वतवासियों को जानकारी दे सके। परंतु आल्हा को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह अपनी माँ और पिता का बदला कैसे ले। एक रात आल्हा पहाड़ी पर सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया जिसमें इनकी माता दिव्य रूप में करिया राय की गर्दन आल्हा पर इस सपने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सपने को वह माँ का आदेश मानकर करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी गुप्त सेना बनाने लगे। त्रिकूट वासियों को युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए त्रिकूट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। इधर राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के कमजोर पड़ चुकी थी। राजा परमाल तक जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी पहुंची तो वह खुद आल्हा से मिलने पहुंचे और वह अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हाना ने दोनों को स्वीकार कर अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया। आल्हा ने प्रशिक्षण पूर्ण करके सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा और युद्ध भूमि में करिया राय की गर्दन काटकर पहाड़ की चोटी पर स्थापित अपनी माँ की मूर्ति की चरणों में समर्पित कर दिया। तभी से उस मूर्ति को माँ शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा, यानी माँ सरस्वती विद्या की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली थी करिया राय को मारने के लिए। आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी माँ का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था, तब से उस क्षेत्र को मैहर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी 12 साल इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताया, अपनी माँ के उस दिव्य स्वरूप को फिर से देखने के लिए। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए कि नहीं वो कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा रहस्य आल्हा की मौत को लेकर है। आल्हा की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि समाधि की परम अवस्था पाकर अंतर ध्यान हो गए, तो कुछ का कहना है कि इस पहाड़ी के अंदर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले लिए। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण स्थानीय लोग यह मानते हैं आल्हा आज भी जीवित हैं और भोर होते ही माँ की आरती करते हैं, और वहाँ के इस समय के पुजारी भी यही मानते हैं कि जब सुबह गेट खोलते हैं तो वहाँ पर माँ के चरणों में पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद मंदिर के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार मैहर के महाराजा दुर्जन सिंह जुदेव थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए पहाड़ियों पर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक और सुनहरी गाय कहीं से आ गई, और शाम होते होते वह कहीं अचानक से गायब हो गई। दूसरे दिन चरवाहा ने फिर उस गाय को देखा और शाम होते होते वह गाय फिर गायब हो गई। इसके बाद तीसरे दिन चरवाहा ने उस गाय का पीछा किया कि आज इस गाय के मालिक से अपनी मजदूरी लेकर रहूंगा। गाय का जब पीछा किया तो गाय पहाड़ी के एक गुफा में चली गई। गाय के गुफा में जाने के बाद गुफा बंद हो गई। चरवाहा ने वहीं बैठा रहा और उसे नींद लग गई। कुछ समय बाद गुफा से एक बूढ़ी महिला निकली, जो चरवाहा ने कहा, माँ आपकी रोज गाय चराते हैं, उसकी मजदूरी तो दे दो,
बूढ़ी औरत गुफा में गई और लकड़ी की सूप में अनाज ला कर दी और वापस गुफा में चली गई। चरवाहा ने घर आकर अचानक देखा तो हीरे मोती थे और वह सोचा कि हमारे किसी काम के नहीं हैं। सुबह राज दरबार में ले जाकर दे दूंगा। सुबह राज दरबार में गया तो राजा को सारी बात बताई और राजा ने आदेश दिया कि अगले सुबह चलकर गुफा की जानकारी लेंगे। राजा को भी सपना आया और माँ ने मंदिर के निर्माण के बारे में कही और राजा ने सुबह होते ही विधि विधान के साथ मंदिर का निर्माण कराया। तभी से वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। यहाँ माता शारदा के प्रतिमा की स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 569 में की गई थी। प्रतिमा पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। मान्यता यह है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, परंतु 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।